आज हम सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी के निवास पर भी यह कार्यक्रम चल रहा है। देश के कोने कोने में और मैं कहूंगा विश्व के कोने कोने में सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 9 वर्ष की उम्र में शादी होना, गरीब घर में पैदा होना, देश की एक ऐसी जाति में पैदा होना जिसके लिए सम्मान पाना बड़ा दूभर काम था उस समय भी और आज भी, और उसके बाद में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय बनाना, किसानों का भी पहला विद्यालय बनाना, ये सारी चीजें उन्होंने करके और जिस तरीके से वो पढ़ाने जाती थी उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे, उसके बावजूद भी उनका इरादा देखिएगा कि आज उन्होंने अपने कार्य से पूरे विश्व में जो महिलाओं के लिए ये विशेष स्थान बनाया है, महिलाओं के लिए जो विशेष उन्होंने योगदान दिया है, आज हमारी बेटियां विश्वविद्यालय पढ़ रही हैं, आज हमारे समाज की जो बेटियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, विश्व की जो बेटियां हैं वो बड़े बड़े पदों पर तैनात हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सावित्रीबाई फुले जी का जो योगदान है वो अद्वितीय योगदान है और उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और उनको उनके इस कार्य के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मैं आज इस मौके पर यही कहूंगा कि उन विषम परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले जी ने जो बड़ा काम किया, हमारे सामने जो आज परिस्थितियां हैं बड़ी अनुकूल हैं और इन अनुकूल परिस्थितियों के चलते हुए हमें भी उनके पदचिन्हों पर चल करके इस शिक्षा के क्षेत्र में जो हम योगदान दे सकते हैं, जो हम अपने गाँव में, क्योंकि देखिए शहरों में हम लोग रह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन से हम लोग जो नौकरियों में आ गए हमारा जीवन बदल गया, लेकिन गांव में जो लोग हमारे रह गए उनका जीवन में बदलाव बिल्कुल भी नहीं है। गांव में जो बच्चे स्कूल जाने चाहिए वो लोग खेतों में किसानों के मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक एक जो लोग हमारे जैसे सरकार की नौकरी में आ गए, हम लोगों को रोजी रोटी मिल गई, हमारी आर्थिक आजादी भी मिल गई, सामाजिक आजादी तो खैर इस देश में कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि देश में सामाजिक विषमता इतनी ज्यादा है, लेकिन जो लोग आर्थिक आजादी पा चुके उनको एक बच्चा गांव में गोद लेने का मैं आज इस मौके पर आह्वान करूंगा कि गांव का गरीब बच्चा एक गोद ले लो, उसकी पढ़ाई आप जिम्मेदारी ले लो। तो मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और उनके जो पदचिन्हों में चलने का सबसे एक मतलब कहूंगा कि सबसे जो एक अच्छा मार्ग होगा यही होगा। तो मैं आज इस मौके पर यूथ फॉर सोशल जस्टिस के आयोजक विशेष रूप से सुरेंद्र जी उनकी टीम को कोटि कोटि बधाई देता हूँ और मैं कहूंगा कि आप ऐसे कार्य जारी रखिए, हम कल भी आपके साथ थे, आज भी साथ हैं और जब तक सांस में सांस हैं हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।